न्यूज ब्लास्ट खबरों की ओर। मुख्यमंत्री गहलोत आज देंगे युवाओं को रोजगार की सौगात। अजमेर में रोजगार मेले और प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। दोपहर में चंदर बरदाई स्टेडियम में मेगा जॉब फेयर का अवलोकन करेंगे। दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री गहलोत हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे किशनगढ़ एयरपोर्ट। किशनगढ़ एयरपोर्ट से विशेष विमान द्वारा दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंचकर कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो आज का पूरा ये खास कार्यक्रम हम आपको लगातार अपडेट भी दे रहे हैं मिनट टू मिनट। एक बार फिर से बता दें, मुख्यमंत्री गहलोत आज देंगे युवाओं को रोजगार की सौगात। अजमेर में रोजगार मेले और प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। दोपहर में चंदर बरदाई स्टेडियम में मेगा जॉब फेयर का अवलोकन करेंगे। दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री गहलोत हेलीकॉप्टर से किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। किशनगढ़ एयरपोर्ट से विशेष विमान के द्वारा दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंचकर कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। और अकीदतमंदों पर आज बरसेगा खुदा का नूर। पाक माह ए रमजान का अलविदा जुम्मा आज है। मस्जिदों में आज पढ़ी जाएगी आखिरी जुम्मे की नमाज। 5 साल बाद इस बार अप्रैल माह में मनाई जाएगी ईद। आज चांद दिखा तो तारवीह की विशेष नमाज होगी पूरी। जामा मस्जिद में आज 2 लाख से अधिक नमाजी जुटेंगे। रहमतों बरकतों के पाक माह ए रमजान में मौसम ने भी अब साथ दिया है। पिछले 2 महीनों से मौसम में उतार चढ़ाव से तपिश तो घटी है। मगरिब की नमाज बाद आज ईद के चांद की तस्दीक के लिए बैठक होगी। जामा मस्जिद में हिलाल कमेटी की बैठक होगी। आज चांद नजर आने पर कल ईद धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। और आज चांद का इंतजार तो खास तौर पर किया जा रहा है, लेकिन कई सालों बाद ऐसा मौका है जब अप्रैल में ईद मनाई जाएगी। अकीदतमंदों पर आज खुदा का नूर बरसेगा। पाक माह ए रमजान का अलविदा जुम्मा आज है। मस्जिदों में आज पढ़ी जाएगी आखिरी जुम्मे की नमाज। 5 साल बाद इस बार अप्रैल माह में ईद मनाई जाएगी। आज चांद दिखा तो तारवी की विशेष नमाज पूरी होगी। जामा मस्जिद में आज 2 लाख से अधिक नमाजी जुटेंगे। तो वहीं रहमतों बरकतों के पाक माह रमजान में मौसम ने भी पूरा साथ दिया। पिछले 2 दिन से मौसम में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, ऐसे में तपिश घटी है। मगरिब की नमाज बाद आज ईद के चांद की तस्दीक के लिए बैठक का भी आयोजन है। जामा मस्जिद में हिलाल कमेटी की बैठक होगी। आज चांद नजर आया तो कल धूमधाम के साथ ईद मनाई जाएगी। रामप्रसाद सुसाइड मामले में स्वायत्त शासन विभाग का नोटिस। मंदिर परिसर में निर्माण के संबंध में नोटिस जारी किया है। मंदिर पुजारी परिवार को डीएलपी ने नोटिस किया है जारी। लिखित में पक्ष रखने को लेकर ये नोटिस दिया है। डीएलपी डिप्टी डायरेक्टर प्रवीण कुमार अग्रवाल ने नोटिस को जारी किया है। मंदिर की जमीन पर होटल निर्माण के संबंध में नोटिस दिया गया है। ये पूरा मामला रामप्रसाद सुसाइड से जुड़ा हुआ। अब इस मामले में कार्रवाई का दौर जारी है। ऐसे में स्वायत्त शासन विभाग का नोटिस भी, मंदिर परिसर में निर्माण के संबंध में नोटिस जारी कर दिया गया है। मंदिर पुजारी परिवार को डीएलपी ने नोटिस जारी किया है। लिखित में पक्ष रखने को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। डीएलपी डिप्टी डायरेक्टर प्रवीण कुमार अग्रवाल ने नोटिस जारी किया है। मंदिर की जमीन पर होटल निर्माण के संबंध में नोटिस दिया गया है। पैलेस ऑन व्हील्स की ब्रांडिंग के लिए एक और फेम टूर। पैलेस ऑन व्हील्स के प्रमोशन व ब्रांडिंग के लिए कल से 24 अप्रैल तक फेम टूर। विदेशी एम्बेसडर, नामी पत्रकार, प्रमुख टूर एंड ट्रैवल एजेंसी के प्रतिनिधि फेम टूर करेंगे। फिल्म कलाकारों को भी फेम टूर के लिए आमंत्रण भेजा गया है। अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर के प्रयासों से पैलेस ऑन व्हील्स को नया जीवन मिला है। बेहतर टीम वर्क, शानदार मार्केटिंग और प्रबंधन से राठौड़ ने पर्यटन निगम के दिल बदल दिए हैं। ऑफ सीजन के 4 महीने में भी छोटे पैकेज पर चल सकती है शाही ट्रेन। शाही ट्रेन जो कोरोना के दौरान बंद कर दी गई थी, लेकिन फिर से जब अक्टूबर माह में इसकी शुरुआत की गई तो अब लगातार बुलंदियों पर है। पैलेस ऑन व्हील्स की ब्रांडिंग के लिए एक और फेम टूर। पैलेस ऑन व्हील के प्रमोशन वे ब्रांडिंग के लिए कल से 24 अप्रैल तक फेम टूर।
विदेशी पत्रकार, नामी पत्रकार, प्रमुख टूर एंड ट्रैवल एजेंसी के प्रतिनिधि टूर करेंगे। फिल्म कलाकारों को भी फेम टूर के लिए आमंत्रण भेजा गया है। अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर के प्रयासों से पैलेस ऑन व्हील्स को नया जीवन मिल गया है। बेहतर टीम वर्क, शानदार मार्केटिंग और प्रबंधन से राठौर ने पर्यटन निगम के दिन बदल दिए हैं। ऑफ सीजन के चार महीने में भी छोटे पैकेज पर ये शाही ट्रेन चल सकती है। और सर, इसका एक बार फिर होगा भालुओं से आपात। माउंट आबू क्षेत्र से भालुओं का एक जोड़ा सरिस्का शिफ्ट। देर रात मादा भालू को किया था सरिस्का एनक्लोजर में शिफ्ट। सीसीएफ आरएन मीणा, डीसीएफ देवेंद्र जगावत की मौजूदगी में एनक्लोजर में शिफ्ट किया है नर स्लॉट बियर को। लेकर देर रात 1 बजे टीम माउंट आबू से रवाना हुई है। वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर के नेतृत्व में सरिस्का के लिए रवाना। कुछ देर में नर भालू को लेकर टीम सरिस्का पहुंचेगी। सरिस्का में अंतिम बार 2011 में देखा गया था स्लॉट बियर। अब 12 वर्ष बाद एक बार फिर सरिस्का में भालू दिखाई देंगे। पीसीसीएफ व सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू अरिंदम तोमर बोले, जल्द एक जोड़ा और लाया जाएगा इस सरिस्का। ऐसे में खासतौर पर जो वन्यजीव प्रेमी हैं वो खासा उत्साहित और प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सरिस्का एक बार फिर से भालुओं से आबाद होगा। माउंट आबू क्षेत्र से भालू का एक जोड़ा सरिस्का शिफ्ट किया जाएगा। देर रात मादा भालू को किया था सरिस्का एनक्लोजर में शिफ्ट। सीसीएफ आरएन मीणा, डीसीएफ देवेंद्र जगावत की मौजूदगी में एनक्लोजर में शिफ्ट किया है नर्स लॉज बियर को। लेकर देर रात 1 बजे टीम माउंट आबू से रवाना हुई है। वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर के नेतृत्व में सरिस्का के लिए रवाना। कुछ देर में नर भालू को लेकर टीम सरिस्का पहुंचेगी। अंतिम बार 2011 में देखा गया था स्लॉट बियर सरिस्का में। अब 12 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर सरिस्का में भालू दिखाई देंगे। पीसीसीएफ व सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू अरिंदम तोमर बोले, जल्द एक जोड़ा और लाया जाएगा सरिस्का। चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूज ब्लास्ट खबरों की ओर। राजधानी में बढ़ती जा रही है ट्रैफिक की परेशानी। शहर की सड़कों पर जगह जगह जाम आए दिन की समस्या बन गए हैं। बढ़ते वाहन और जाम ने गाड़ियों को रेंगते हुए चलने पर मजबूर कर दिया है। कई मुख्य मार्गों पर तो वाहन स्पीड साइकिल से भी अब कम हो गई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में भी हालातों पर चिंता जाहिर की गई है। अगर नहीं चेते तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाएगी वाहनों की स्पीड। जयपुर के लिए ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान पर काम करने की जरूरत है। जाम से वाहनों में फ्यूल की खपत और प्रदूषण लेवल में बढ़ोतरी हुई है। कई बार जाम में वाहन चालकों में नोकझोंक भी हो जाती है और झगड़े की नौबत आ जाती है। प्रभावित वाहन चालकों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन की बढ़ोतरी भी हो रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट संसाधनों की संख्या आबादी के अनुपात में हो तो राहत मिली। देखिए, चिंता लगातार बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से लगातार ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, अब ट्रैफिक बढ़ रहा है तो ऐसे में कई समस्या भी यहाँ खड़ी हो गई हैं। ऐसे में अब जरूरत है तो इस समस्या को जल्द ही सल्यूशन इसका करने की, क्योंकि राजधानी में बढ़ती जा रही है ट्रैफिक की परेशानी। शहर की सड़कों पर जगह जगह जाम आए दिन समस्या हो गई है। बढ़ते वाहन और जाम ने गाड़ियों को रेंगते हुए चलने पर मजबूर कर दिया है। कई मुख्य मार्गों पर तो वाहन स्पीड साइकिल से भी कम हो गई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में भी हालातों पर चिंता जताई गई है। अगर नहीं चेते तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाएगी वाहनों की रफ्तार। जयपुर के लिए ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान पर काम करने की जरूरत है। जाम से वाहनों में फ्यूल की खपत और प्रदूषण लेवल में बढ़ोतरी हो रही है। कई बार जाम में वाहन चालकों में नोकझोंक भी देखी जाती है, झगड़े तक की नौबत आ जाती है। प्रभावित वाहन चालकों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन की बढ़ोतरी हो गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट संसाधनों की संख्या आबादी के अनुपात में अगर हो तो ऐसे में राहत कुछ हद तक मिल सकती है। जलवायु परिवर्तन से देश में बढ़ा है लू का खतरा। देश के 90% हिस्से पर तेज होती लू का खतरा बढ़ा है। मौसम विभाग ने बुलेटिन जारी कर चेतावनी भी दे दी है। मुंबई, पुणे के साथ बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड समेत देश के अन्य हिस्सों में लू चलती रही। पूर्व उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्व भारत
गुजरात महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्सों में तापमान 40 से 44 डिग्री रहने के संकेत हैं। तो वहीं आज और कल दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में ओलावृष्टि संभव है। राजस्थान में अंधड़ का अंदेशा है। अगले 5 दिन मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश की संभावना है, क्योंकि गर्मी का प्रकोप जैसे ही बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अब एक चिंता, लू सताने लगी है। खतरा क्योंकि बढ़ता जा रहा है, जलवायु परिवर्तन से देश में लू का खतरा बढ़ गया है। देश के 90% हिस्से पर तेज होती लू का खतरा बढ़ा है। मौसम विभाग ने बुलेटिन भी जारी कर दिया है और चेतावनी इस बुलेटिन के माध्यम से दी है। मुंबई, पुणे के साथ बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड समेत देश के अन्य हिस्सों में लू चलती रहेगी। पूर्व उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्व भारत, गुजरात, महाराष्ट्र के आंशिक हिस्सों में तापमान 40 से 44 डिग्री के बीच रहने के संकेत हैं। तो वहीं आज और कल दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में ओलावृष्टि संभव है। तो वहीं राजस्थान में अंधड़ का अंदेशा है। अगले 5 दिन मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश की संभावना भी बनी है। चीन में सितंबर अक्टूबर में होगा एशियाई खेलों का आयोजन। चीन जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों के सामने होगी बड़ी समस्या। चीन में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जीमेल, फेसबुक पर पाबंदी है। शाकाहारी भोजन चीन में भारतीय संपर्क की बड़ी समस्या है। भारतीय दल के शेफ द मिशन भूपेंद्र बाजवा ने बताया कि हांगझाऊ में 25 अप्रैल को होने वाली बैठक में ये मुद्दा उठाएंगे। भारत से हांगझाऊ जाएगा 600 से 700 एथलीट्स का दल। देखिए, दल तो पहुंचेगा, लेकिन जो समस्या है अब उनको लेकर मंत्रणा का दौर जारी है। चीन में सितंबर अक्टूबर में होगा एशियाई खेलों का आयोजन। चीन जाने वाले भारतीय खिलाड़ी को लेकर अब लगातार चिंता जाहिर की जा रही है।